शांति का काम किया जाए ताकि जो रेल दुर्घटनाएं होती है उसको हम रोक सके। महोदय, मैं 2005 में द्वितीय श्रेणी के किराए में कमी की घोषणा की गई थी। किराए में कमी के बावजूद भी रेलवे की यात्री आय में 14% की वृद्धि हुई थी। महोदय, निश्चित तौर पर उसके किराए में वृद्धि भी हुई थी और रेलवे फायदे में भी रहा था, लेकिन आज किराए में वृद्धि भी सरकार कर रही है और रेलवे घाटे में भी चल रही है। हम बताना चाहेंगे महोदय, यह सरकार रेलवे को निजीकरण हाथों में देने का प्रयास कर रही है। महोदय, अगर इतनी बड़ी रेल को निजी हाथों में अगर सौंपा जाएगा तो सरकारी नौकरियां खत्म होगी और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। महोदय, हम जिक्र करना चाहेंगे महोदय, देश के एकमात्र रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिनके समय में रेलवे का बहुत बड़ा फायदा हुआ था, वो भी किराए और माल भाड़े को बिना बढ़ाए, जिसकी पूरी चर्चा विश्व में हुई थी। और महोदय, उनके कार्यकाल में 19 रेलवे परियोजनाओं को बिहार में स्वीकृति प्रदान की गई थी। मैं कुछ परियोजनाएं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा। बजट में सरकार ने गया में विष्णुपथ कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर की बात की, उसी संदर्भ में गया बोधगया सिरघाटी होते हुए चतरा रेलवे लाइन का 2007 में इसकी स्वीकृति मिली थी। माननीय मंत्री महोदय, हम चाहेंगे कि इसको आप विशेष तौर से देखें। पटना से पालीगंज, अरवल, दौद नगर, औरंगाबाद होते हुए 2007 में स्वीकृति मिली थी, जिस पर 25 करोड़ रुपया भी रेलवे मंत्रालय के द्वारा उस पर जारी किया गया था। उसको भी हम चाहेंगे आपके माध्यम से महोदय कि माननीय मंत्री जी उसको देखें। गया डाल्टेनगंज वाया रफीगंज होते हुए रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली थी, ऐसे 19 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली थी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बिहार पर्यटन के क्षेत्र में इंटरनेशनल पैलेस जगह है। राजगीर हो, बोधगया हो, विष्णुपथ हो, पुनपुन हो, ये सभी जगह है। महोदय, हम आग्रह करेंगे कि वंदे भारत ट्रेन पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, सासाराम होते, दीनदयाल उपाध्याय होते, वाराणसी होते, दिल्ली तक के अगर वंदे भारत ट्रेन चलाने का काम अगर सरकार करती है तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत भी बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि बोधगया और वाराणसी, इन जगहों पर देश और विदेश के पर्यटक आते हैं, उनकी आवागमन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। हम तो चाहेंगे, पहले हम लोग के यहाँ फ्लाइट भी चलती थी, एक दिल्ली गया वाराणसी होते चलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। इसलिए माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से हमारी आग्रह होगी कि इसको विशेष कैटेगरी में रखकर एक वंदे भारत ट्रेन जो गया से पटना से चलकर जहानाबाद गया होते हुए वाराणसी होते हुए दिल्ली तक के अगर चलाने का काम करें तो हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। महोदय, एक हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय जी से, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन जनरल यात्रियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से आम लोग उस जनरल बोगी में सफर करते हैं। किसी मेल ट्रेन में एक बोगी होती है, किसी में दो बोगी होती है। सभी मेल ट्रेनों में जनरल बोगी को बढ़ाया जाए। महोदय, पर्व के दिनों में तो और भी बहुत कठिनाई होती है,
एक एक बोगी में 500-700, 700 हमारे लोग सफर करते हैं। इसलिए महोदय हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि तमाम जो मेल एक्सप्रेस है उसमें जनरल बोगी की संख्या सरकार बढ़ाए ताकि आम लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। एक आग्रह हम माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से करना चाहेंगे, गाड़ी संख्या 12987 12988 जो अजमेर सियालदा एक्सप्रेस है, गया के बाद वो डिहरी में रुकती है महोदय, उसके बीच में अनुग्रह नारायण रोड जंक्शन है, अनुग्रह नारायण पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी का गृह जिला है और उनका वहाँ घर है। हमारी विशेष आग्रह होगी कि अजमेर सियालदा 12988 का एक छोटा भी स्टॉपेज माननीय मंत्री महोदय जी अगर औरंगाबाद में कर देते हैं तो वहाँ पर कम से कम तो 30-40 लाख लोगों को उसमें फायदा पहुँचेगा। महोदय आपने मुझे समय दिया महोदय, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि मैंने जो कुछ जनहित में जो आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है, कृपया हमारी आग्रह होगी कि उस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृष्णा प्रसाद जी, माननीय सभापति जी, आपने मुझे आज बात करने का मौका दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, आई थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस ऑगस्ट हाउस ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑन रेलवेज। आई थैंक द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। Shri Narendra Modi ji and the Honorable Foreign Finance Minister as well as the Railways Minister for giving us a development and welfare oriented budget. The Indian Railways, Speaker Sir, is like the lifeline of our country. Since its inception more than 200 years ago, the Indian Railways has served as a beacon of India's development and progress. I take this opportunity, Speaker Sir, to commend Honorable Railway Minister through the Chair for increasing the budget 24-25, planning to produce 50 more Amrit Bharat trains, planning to manufacture 10,000 non-AC coaches, planning to launch Vande Bharat Metro, Vande Bharat and Vande Bharat Sleepers. Through these approaches, the common man in this country will have more affordable travel and more opportunities to take up education and business. Honorable Speaker Sir, the allocation of ₹9,151 crores under this current budget to Andhra Pradesh state is a huge boost and will breathe life into my state, which suffered extensively over the last 5 years to the sheer negligence of the previous state government. The people of Andhra Pradesh gave a decisive mandate to Modi ji 3.0 at the center and Naidu ji 4.0 in the state to march towards Vikasit Bharat. I am confident that the budget reaffirms their trust in our alliance. Speaker Sir, the state of Andhra Pradesh is a young state. It has just turned 10 years old after the unscientific bifurcation in 2014. Its dire financial situation was further worsened by the free spending and no development habits of the previous state government. Our state was in dire need of assistance, and I firmly believe that the budget is an indication of the same. It is a source of great pride of our people that the state railways are all 100% electrified, and whatever works are in the pipeline, I hope they will also be taken up, the electrification work will be taken up in a lightning speed. I speak for the entire Andhra Pradesh, sir, when I extend our collective heartfelt thanks to the Honorable Finance Minister for recognizing Amaravati, our capital city,
and the Honorable Railway Minister for allocating rupees 2,000 crores for the development of a special railway line for our capital city. Sir, another big city in our state, Visakhapatnam, there was a proposal of South Coastal Zone at Visakhapatnam, and we'll be grateful, sir. I am aapke madhyam se my request kar raha hu mantri ji ko ki is zone ko jald se jald commission kiya jaye. Isi tarah Bhogapuram mein jo international airport Visakhapatnam ke north mein ho rahe banne wali hai, usko bhi ek railway line dekar railway station dene ki guzarish hai. Sir, Honorable Railway Minister in one of his recent submissions mentioned that there are close to 40 infrastructure projects worth 73,743 crores that are at various stages of progress, upgradation and construction in the state of Andhra Pradesh. I applaud the commitment of the government to the overall development of railway infrastructure in the state of Andhra Pradesh. As a representative of Bapatla Parliament constituency, I would like to put forward certain few requests on behalf of my people. Namely, sir, Bapatla jo jagah hai, wo ek education center hai, Chirala jahan hai, textile industry bahut bada hai, wahan bade bade colleges hai, aquaculture ka business hai wahan pe, granite industry ka business hai aur port bhi banne wale hain. Sir, I thank the Honorable Railway Minister for identifying 73 railway stations for upgradations to Amrit stations. On behalf of the people of Bapatla, I thank the government for including Bapatla and Chirala station under this scheme, sir. Bapatla serves not only as a district headquarters, but is also a parliament constituency headquarters, and therefore, my earnest request, sir, aapke madhyam se, main agrah karta hu ki is in dono railway station ko major upgradation program mein liya jaye. Sir, COVID